नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयलक्ष्मी नारायण। आप देख रहे हैं डी फोकस चैनल। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, तमाम राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। वहां तो जितनी भी राष्ट्रीय पार्टी हैं वो अपने तमाम देश के जितने क्षेत्रों में उनकी सरकार है या उनकी पार्टियाँ काम करती हैं, तो वहाँ के जो प्रभारी होते हैं या नेता होते हैं उनको जहाँ चुनाव होता है वहाँ भेजा जाता है ताकि उनकी पार्टी की उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित हो सके। तो हम लोग अभी बात करने के लिए आए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल प्रभारी अर्चना सिंह जी के पास। उनसे हम लोग जानेंगे इनको भी पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में भेजा था, क्या क्या कुछ वहां करके आई हैं, हम लोग इनसे जानेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मैडम हमारे चैनल में आपका। आपको पार्टी ने किस क्षेत्र में चुनाव लड़ने का, चुनाव की जो आपकी उम्मीदवारी, जो आपके पार्टी के उम्मीदवार लड़ रहे हैं, तो वहां किस विधानसभा में आपको भेजा गया और वहां के उम्मीदवार का क्या क्या जनमत रहा, कि मतलब इस बार क्या लगता है कि वहां जीत सुनिश्चित हो? पहले तो हम लोग केंद्रीय राष्ट्रीय मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा के नेतृत्व में हम लोग 20 बहनें झारखंड से गए थे। तो सबको अपने एक एक विधानसभा मिला था और हमें कन्नौज जिले में तिरवा विधानसभा मिला था। वहाँ के प्रत्याशी थे कैलाश सिंह राजपूत जी और उनके लिए मैंने चुनाव प्रचार किया और भाजपा के समर्थन में वोट मांगा। और जैसा समर्थन मिला और जो लोगों के बीच में मेरा जो अनुभव प्राप्त हुआ, तो इसे हमारी जीत सुनिश्चित है। उस विधानसभा में तो जीतेंगे ही, लेकिन जैसा महिलाओं लोग का जो जन सैलाब दिखा, समर्थन, भाजपा के प्रति विश्वास, इससे लगता है कि हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, ये हमारा मानना है। आप लगातार झारखंड में, हम लोगों ने देखा है कि पूरा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की प्रभारी हैं आप, तो तमाम जगह महिलाओं पे आप काम करते हैं, महिलाओं के अधिकार दिलाने की बात करते हैं, तो क्या लगा उत्तर प्रदेश में जो महिला जो इससे पीछे की सरकार थी और अभी ये जो 5 साल आपकी योगी की सरकार चली, क्योंकि विपक्ष तो लगातार यही मुद्दा बना रहा है कि महिलाओं को सम्मान नहीं मिला है इस 5 सालों में जो उत्तर प्रदेश चुनाव हुआ है, तो क्या लगा इसका, क्या व्यापक असर दिख रहा था वहाँ? ये बोलने वाली बात है, विपक्ष तो कुछ बोलेंगे, लेकिन जितना जमीनी स्तर से हम लोग वहाँ पर काम किया तो हमने यही देखा कि योगी मोदी की सरकार में योगी जी महिलाओं को सम्मान दिए और योगी जी सुरक्षा दिए, यही उन लोगों के बीच में उनके बातों से दिखा। जैसे कि मेरा तिरवा विधानसभा बहुत सुदूर ग्रामीण था, तो वहाँ की महिला बहनों से हम उन्हीं के भाषा में, उन्हीं के भाव में बात करते थे। तो हमने हमेशा वहाँ पर जाके एक एक दिन में महिलाओं को टोली जा के मिल के 5-6 सभा की, तो जाके उनसे ही पूछती थी कि अम्मा आप लोग 20 तारीख को महापर्व है तो क्या पर्व है आप बताएंगे, तो वो बोलती थी कि 20 तारीख को वोट देना है, तो वोट किसको देंगे, तो कमल को देंगे, तो क्यों देंगे, मैं ही पूछती थी। मैं निमंत्रण भी देने गई थी लेकिन मैं ही पूछती थी कि मैं जानूं कि अगर कुछ पार्टी हमारी भेजती है तो आकलन भी करने भेजती कि हमारी महिला बहनों को जो हम लोग लाभ देते हैं तो सही से मिलता है कि नहीं मिलता है, ये सब सही हम लोग ही बता सकते हैं पार्टी कार्यकर्ता। तो वो खुद बोलती थी हमको इज्जत घर मिला, राशन महीना में 2 बार मिला, तो आवास तो मिला ही, जनधन में खाता में पैसा आया ही, किसान की राशि बढ़ी, तो वो बहुत खुश होती थी। और सबसे बड़ा जो चमत्कार हम यूपी में देखे, हम बहुत लड़कियों से भी उनका फीडबैक लिए, तो वो बोली कि हम लोग पहले स्वच्छता महसूस नहीं करते थे, डरते थे, लेकिन आज हम लोग 9 बजे 10 बजे भी आते हैं तो हम लोग को डर नहीं लगता है। तो ये बच्चियों लोग के जो चेहरे पे आत्मनिर्भर देखे, ये बहुत अच्छा लगा। और महिलाओं का जो समूह में जो भूचाल आया है, योगी जी क्या किए हैं, मतलब तो ये भी हमारे लिए बहुत नया अनुभव था कि मैं सोचती थी कि कुछ महिला बहनों को इकट्ठा करूँगी, लेकिन मैं जब महिला जिस टोली में गई तो हम बोले आप कुछ करते हैं, हाँ हम समूह चलाते हैं, तो एक एक महिला 5-5 समूह चलाते हैं हम, और इतना वो आत्मनिर्भर हो चुकी है कि सब महिला इतने घूंघट में रहती है। लेकिन सोचिए कि समूह के नाते जो उन लोग को सरकार के द्वारा 1,30,000 का जो मिलता था धनराशि, उसके अपना वो लोग समूह चलाती हैं, वो लोग इतनी आत्मनिर्भर हो गई है कि वो लोग अगर एक समूह सखी 5-5 समूह चला रही, तो सोचिए कितनी सक्रिय होगी और कैसे काम काज करते हुए अपना समूह चलाती होगी। तो ये उन लोग का आत्मनिर्भर भरपूर देखने को मिल रहा था और यो इसीलिए योगी सरकार से इतनी खुश है और बोलती है कि हम लोग को तो दिए ही खुशी, हमारी बेटियों को सुरक्षा दिए, तो जो सरकार इतना दी है हम लोग फिर दूसरा कुछ सोच नहीं सकते हैं, तो अगर ये आगे भी बरकरार रखना है तो हमको तो मुख्यमंत्री बनाना ही है उन्हीं को। मैडम आपको कौन सा विधानसभा मिला था और वहाँ की परिदृशी क्या थी, परिदशा क्या थी, क्या जनसंख्या के आधार पर? मैं पहले ही बताई कि हमको कन्नौज में 3 जिला है, आपका छिबरामऊ है, कन्नौज सदर, हमको तिरुवा मिला था।
तो तिरुवा थोड़ा ग्रामीण इलाका था, लेकिन वहाँ की महिलाओं को देख के, उनका जागरूकता देख के बहुत अच्छा लगा, कहीं ऐसा नहीं निगेटिव लगा। थोड़ा बहुत शिकायत अगर होता भी है हर जगह से स्थानीय प्रत्याशी से, तो मैं पूछती थी ठीक है चलो प्रत्याशी आपसे शिकायत है अब क्या करोगे, तो वही लोग बोलते थे कि नहीं वोट तो हम कमल को ही देंगे, कमल छाप में ही देंगे। तो ये फिर हमारा भी समझाने का तरीका होता था कि दीदी परिवार है हमारा, शिकायत तो कभी दूर नहीं होगा, एक शिकायत दूर होगी फिर एक शिकायत बनेगी, तो आपको विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ही है जो आपके सारे शिकायत दूर करेंगे, इसलिए आप शिकायत कर भी रहे हैं, तो आगे भी शिकायत बनता रहेगा, ठीक होता रहेगा, लेकिन अभी समय आपका क्या है, योगी मोदी जी ने दिया है तो आप लोग क्या दोगे, तो नहीं हम लोग वोट देंगे। तो मैडम हम लोग, हम क्या पूरे भारत के लोग जान रहे हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव होता है तो एक जातीय समीकरण वहाँ बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि जातीय समीकरण वहाँ काम करता है, तो क्या लगता है कि जो विधानसभा में आप कर रहे थे या फिर पूरे यूपी में जो जातीय आधार है, तो उस स्तर पर क्या लगता है कि इस बार का चुनाव क्या जातीय स्तर फैक्टर मायने रखेगा या विकास मायने रखेगा, या पूर्व की सरकार की अपनी किए हुए कार्यों का मान सपा को मिलेगा, या आने वाले दिनों में जो 5 सालों में काम किया है भाजपा ने उसका फल मिलने जाए? ये 5 सालों में जो सरकार काम की उसका फल मिलेगा, क्योंकि बहुत जगह मैं सभा करती थी तो बहुत मुस्लिम बहनें भी थी, तो मैं उनसे भी उनका राय लेती थी, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं हम लोग अगर छुपके भी देना होगा तो हमको जैसा महिलाओं का भाव लगा, लेकिन वोट हम लोग मोदी और योगी सरकार को ही देंगे कमल छाप में ही। और तब हम लोग का भी कहना था कि हम लोग जो अभी हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं कभी भी जाति पाति का राजनीति नहीं की, वो सबको बराबर से दिए, तो मैं उन बहनों को भी अपने उनके भाव में समझाती थी कि जब हमारे प्रधानमंत्री और योगी सरकार नहीं सोची कि हाँ इस धर्म को बांटा जाए, जो लाभ दिए सब धर्म को मिला, तो फिर वोट भी अगर जो सरकार आपके लिए अच्छा करी है बहन आपको देना चाहिए, तो उन लोग ने समर्थन दिया कि नहीं हम लोग तो कमल छाप में ही वोट देंगे। जाति फैक्टर इस बार काम नहीं करेगा उत्तर प्रदेश? नहीं, नहीं करेगा बिल्कुल, विपक्ष है, विपक्ष जाति की राजनीति कर रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा। विपक्ष तो लगातार विपक्ष मैडम लगातार आरोप लगा रहा है कि लॉकडाउन में जिस प्रकार से पूरे देश से जो श्रमिक थे उत्तर प्रदेश में पैदल आए या उनको जो समस्याएं हुई, कहीं ये फैक्टर भाजपा को नुकसान ना कर दे? बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि उनका वो कुछ पॉइंट निकालते हैं, लेकिन वही सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार थी कि जिस टाइम लॉकडाउन लगा था तो वो घर घर जाके उसकी चिंता की, उनके घर में राशन पहुंचाई, उनको क्या दिक्कत है उसकी चिंता की, तो चिंता भी तो हमारी सरकार ने की। मजदूर भी तो पैदल आए थे मैडम? नहीं पैदल आए थे तो उसके वही तो बता रहे हैं कि हमारे ही कार्यकर्ता लोग फिर चिंता की कि कैसे उनको कैसे उनके घर तक पहुंचाया जाए, वो तो बस एक मुद्दा निकाल लेते हैं, लेकिन उसको दूर कहाँ किए, दूर करते तब ना जानते कि नहीं ठीक है आपको निकला तो आपने उसका चिंता की, चिंता तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के ही लोग किए। आखिरी सवाल मैडम, कितना सुनिश्चित है अपने उम्मीदवार को लेकर कि जिनके लिए आपने मेहनत किया लगातार 20 दिन 25 दिन या एक महीना जो भी लगातार आपने प्रयास किया अपने प्रभारी के कहने पर, तो क्या लगता है जिस विधानसभा में आपने प्रयास किया है उसकी जीत की सुनिश्चिति कितना मानते हैं? 110%, क्योंकि जिस तरह से हम ना प्रत्याशी को देखें, हम लोग बस भारतीय जनता पार्टी को देखकर उनको भी हम वही चेहरा दिखाएं जो योगी मोदी जी ने आपको किया है, तो छोटी मोटी शिकायतें घर में बनी रहती है बहन, उसको दूर रखना और अभी छोटी लड़ाई में बड़ा कुछ मत खो देना, यही संदेश दिए और उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर समर्थन दिया, तो हमें पूर्ण विश्वास है तिरुवा विधानसभा की जनता से कि आज वोटिंग है 20 तारीख को, आज हमारे महिला बहनें आगे चल के निकल के भरपूर बहुमत मतदान करेंगे और हमको लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे सीट से हम लोग विजयी होंगे। तो ये देखा आपने कि हमारे साथ थी भाजपा महिला मोर्चा की दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल की प्रभारी अर्चना सिंह जी, जिन्होंने बताया कि जो पार्टी ने इन्हें जिम्मेवारी दी थी उस जिम्मेवारी को इन्होंने बखूबी अपने उत्तर प्रदेश में जो तिरुवा विधानसभा है वो इन्हें मिला था, और अपनी जिस उम्मीदवार के लिए इन्होंने अपनी जाके वहाँ तैयारी की, जनभावना को समझा, लोगों को समझाने का प्रयास किया, जो अपनी मेहनत थी इन्होंने पूरा 100% दे के आया है, और उसके बाद उनकी जीत भी सुनिश्चित इनके अनुसार है कि लगभग वो जीत ही रहे हैं, मतलब जीत जाएंगे। तो हम लोग लगातार और भी जो भी इस प्रकार के शख्स हैं जो उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा कांग्रेस और अन्य पार्टियों से जो जाके वहाँ प्रचार कर रहे हैं उन सभी से हम लोग जानेंगे, और उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी वो तो आने वाला समय ही बताएगा जब गिनती होगी, लेकिन तब तक लोगों का रुझान जो यहाँ से जाके प्रयास किए हैं पार्टी के लिए उनसे हम लोग मिलाएंगे आपको, लगातार सभी लोगों से मिलकर उत्तर प्रदेश का जो चुनावी माहौल है वो समझने और समझाने का प्रयास लगातार करते रहेंगे। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ मैं जयलक्ष्मी नारायण, डी फोकस चास।